जुनारदेव पुलिस थाने में आज बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जहां शिकायत पत्र थाना प्रभारी राकेश बघेल को सौंपा और बताया कि आवेदक गणों के नाम पर प्राइवेट कंपनी से फर्जी तरीके से लोन की राशि स्वीकृत कर लेकर गायब हो गए, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए का मामला है। महिलाओं द्वारा जानकारी में बताई गई कि वही थाना प्रभारी ने ज्ञापन लिया और बोला कि मामला संज्ञान में आया है, जिस पर जाँच की जाएगी। धोखाधड़ी हुई है, एक व्यक्ति ने हमसे पैसा लेकर और फरार हो गया है, जो कि हम जब हमारे प्राइवेट लोन लिया था हमने हमसे धोखा से, तो वो लेकर हमारा पूरा पैसा फरार हो गया। इसी विषय में हमने यहाँ पर थाने में रिपोर्ट डाली है। कितने लोगों के साथ ऐसा मामला है? यहाँ पर पूरी 25 महिला। कितने रुपये का मामला है? 20 लाख का प्राइवेट लोन का है और सोसाइटी समूह से भी उन्हें 5 लाख का फ्रॉड किया है। टोटल 25 लाख। मामला किससे शिकायत की? हमारे यहाँ पे सोसाइटी समूह चल रहा था, तो लगभग 1 या 1.5 साल से चला, काफ़ी अच्छे से चलाया उसमें। उसके बाद में जब हमारे यहाँ पे 6 लाख का लोन हुआ, तो वो सभी महिलाओं से लिया उसने पैसे और फरार हो गया है। उसी के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों से भी उसने हमारे से फर्जी टाइप से साइन करवाया है और वो पैसे भी लेकर चला गया है। जो एजेंट है वो हमारे घर पर आकर हम लोग को परेशान करते हैं। कौन है वो? अनिल वरकड़े करके है वो। कितने रुपए का मामला है? वो लगभग 25 लाख का लगा रहा है। कहाँ शिकायत की? ये अपने जुनादो थाना।